इसमें वो एक स्मार्ट बिलिंग ऐप बना रहे हैं, किस तरह से वो कैलकुलेट करेगा टोटल परसेंटेज वगैरह। सबसे पहले हम इसमें करेंगे वेरिएबल कौन से रिक्वायर्ड होंगे। आज हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो डबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे। ये भी नंबर वैल्यूज को स्टोर करेगा, लेकिन ये प्री सेशन वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है, यानी कि पॉइंट वाली रकम को, डेसिमल वैल्यूज को, और ये लार्जर वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है, मतलब मिलियंस और ट्रिलियंस अमाउंट को भी स्टोर कर सकता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या तरीके कार है, जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, इसके लिए हम डबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो डबल लिखेंगे उसकी डेटा टाइप। डबल इज द टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन होल्ड लार्जर वैल्यूज, ठीक है। फिर वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो इस बिलिंग ऐप में एक तो होता है, देखें उसका क्वांटिटी, ये वेरिएबल ले लिया हमने, सेमी कॉलन लगा दिया, डिक्लेरेशन हो गई। एक और वेरिएबल ले लिया प्राइस, ये उसकी डिक्लेरेशन हो गई। एक और वेरिएबल ले लिया टोटल, ये उसकी डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है। ये तीन वेरिएबल हमने ले लिए। अब हमने सी आउट करके एक मैसेज प्रिंट कराया, स्मार्ट ब्लिंग ऐप, ठीक है। और यहाँ से न्यू लाइन करके स्टार एक लगा दिया इसके नीचे, और यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं तो यहाँ पे इसको और कर दिया। कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। पैराडाइज क्लास 03 कर देते हैं इसकी। और उसके बाद आपने क्या करना है, सी आउट लेस देन न्यू लाइन, और यहां पर हमने लिखा एंटर प्राइस, ठीक है। तो ये हमसे प्राइस एंटर करने के लिए कहेगा। जब प्राइस एंटर करेंगे तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है सी इन। सी आउट मेथड क्या करेगा, भी थे एप्लीकेशन को रन करते हैं तो इस पे एक एरर है। अच्छा ये ब्रैकेट्स तो यहाँ बंद है, सेमी कॉलन यहाँ, अच्छा पूरा नहीं किया इसको। तो ये देखिए ब्रैकेट नहीं आएगा, सेमी कॉलन। तो यहाँ लिखा रहा है स्मार्ट बिलिंग ऐप और एंटरप्राइज, ठीक है। अब ये तो आउट करने के लिए सी आउट वेरिएबल यूज करते थे, कोई भी डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। इनपुट लेने के लिए, मतलब प्रोग्राम के दौरान इनपुट लेके किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी एन यूज करेंगे। सी एन लिखेंगे और वेरिएबल का नाम बताएंगे, जैसे प्राइस, ये वेरिएबल का नाम हमने बता दिया। सेकेंडरी क्वांटिटी के लिए सैम स्टेटमेंट को पास कर लेते और एंटर क्वांटिटी लिख देते हैं, और यहाँ पे सी इन करके, हाँ ग्रेटर देन नहीं लगाया इधर, यहाँ पे लगाना है लेस देन, और इसमें लगेगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का नाम लिख देंगे क्वांटिटी। ये फंक्शन क्या काम करेगा, जो भी अमाउंट हम डालेंगे इसके अंदर वो ले जाके इस वेरिएबल में सेट कर देगा, और जो इसमें हम एंटर करेंगे वो इस वेरिएबल में सेट कर देगा। सेफ, ठीक है। F11 करेंगे यहां से। अब ये 7500 किसमें चला गया, PRICE प्राइस वाले वेरिएबल के अंदर। यहां पे हमने लिखा 4 और एंटर किया, तो ये किसमें चला गया, QNTY वेरिएबल के अंदर, सही। अब इनकी वैल्यू को आउट करते हैं, तो हमने यहां पे लिखा सी आउट लेस देन न्यू लाइन प्राइस कॉलन, फिर लेस देन और प्राइस वाले वेरिएबल का नाम, सी आउट लेस देन डबल कोट्स न्यू लाइन, ठीक है। या एक लाइन एक और न्यू ले रहा हूं ताकि दो लाइन का गैप आ जाए, यहां पे नहीं ले रहा हूं। क्वांटिटी कॉलन लेस देन क्यू एन टी वाई, आउटपुट देखते क्या आ रहा है। तो हमने यहां पे लिखा 6500 और क्वांटिटी में लिखा 4, तो सेम आउटपुट आ गया जो भी हमने वेरिएबल की वैल्यूज को आउट कराया था, ठीक है।
कहाँ से लेंगे? तो यहाँ पर हमने क्लिक करके हमने इसका आगे लेते हैं सी आउट। अब हमने इनका बनाना है टोटल, तो एक प्रोसेस बनाएंगे लॉजिकली। हमने वेरिएबल तो ले रखा है टी ओ टी एल के नाम से, टोटल असाइनमेंट करेंगे। क्यू एंड टी वाई को प्रोडक्ट यानी कि प्राइस से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या निकल आएगा इसका प्रोडक्ट। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आंसर आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर हम करेंगे सी आउट लेस देन, और यहाँ पर हम डबल कोट्स लगा के न्यू लाइन करेंगे इसके ऊपर दो दफ़ा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट, कॉलन लगा के लेस देन टोटल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ से प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक अमाउंट लिखा, सही, तो उसने हमें टोटल करके दे दिया। आगे चलते हैं, डिस्काउंट का मामला आता है, कितना अमाउंट डिस्काउंट करना है। सी आउट लेस देन कोटेशन न्यू एंटर डिस्काउंट, ठीक है। अब ये यहाँ जहन में रख लें कि डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे करते हैं, और आगे करके सेमी कॉलन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। छोटा सा प्रोग्राम को मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस लिख रहा हूँ और क्वांटिटी डाल रहा हूँ, तो ये उसका मुझे आउटपुट दे रहा है प्राइस, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। नीचे आ रहा है इंटर डिस्काउंट लिखा हुआ। इसी तरीके से अब आपने करना है, ये आपसे डिस्काउंट इन अक्वायर करें, मतलब 200, 300, 400 जो भी आप इसको दें यहाँ पे, वो इस अमाउंट में से माइनस करें और नीचे दिखाए नेट अमाउंट, और वो अमाउंट यहाँ पे शो कर दे। समझ में आ रही बात? ये आपने करना है काम। तो इस ऐप को बनाते हुए हमने क्या सीखा कि किस तरह हम डबल टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह हम स्ट्रिंग्स को आउटपुट कर सकते हैं, और डबल टाइप वेरिएबल के अंदर इनपुट ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेथड है सीएल, और फिर इनपुट लेने के बाद हमने वेरिएबल की वैल्यूज को आउट कराना सीखा विद स्ट्रिंग्स अलोंग विद स्ट्रिंग्स के साथ, और फिर एक प्रोसेस बनाया जिसमें हम दोनों का प्रोडक्ट लेके आंसर ले लिया इसके अंदर टोटल के अंदर, और फिर उसको हमने टोटल अमाउंट करके टोटल की वैल्यू दिखा दी। टास्क आपको आगे दिया है कि भाई इंटर डिस्काउंट, तो अब आप प्रोग्राम एक्वायर करें कि आप डिस्काउंट अमाउंट डालें 200, 300, 500 जितना आपको उसको रियायत करनी है, तो वो अमाउंट ले इनपुट और फिर वो टोटल में से माइनस करें, और आप आगे एक मैसेज दिखाएंगे नेट अमाउंट का, ठीक है। मैसेज कैसे दिखाएंगे, मैं भी थोड़ा सा काम और भी कर देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा नेट अमाउंट इस तरह से लिखाएगा नेट अमाउंट, और फिर वो बकाया अमाउंट इसके आगे नजर आएगा। अब इसमें दो चीजें बीच में मिसिंग है, इनपुट भी मिसिंग है, माइनस कैसे होगा कैसे होगा, और फिर उसका आउटपुट कैसे लेना है। कितनी चीजें मिसिंग है, पहली इनपुट, दूसरी माइनस लॉजिक, तीसरी आउटपुट, तीन चीजें मिसिंग है इसके अंदर, वो आपने करनी है, आपका टास्क है। ये मैंने छोड़ दिया इसके, कर लेंगे तो समझे कि आपको पूरा प्रोग्राम ही समझ में आ गया। अब कर लेंगे फिर आगे कुछ भी कर सकते हैं, टैक्स भी ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको समझने की जरूरत है कि क्यों नहीं कर पाया उसको।